लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। इस रेस्टोरेंट में कभी मत जाना, क्योंकि यहाँ लोग इंसान का मांस खाते हैं। इस रेस्टोरेंट में कभी मत जाना, क्योंकि यहाँ इंसान का ही मीट खाते हैं। घर का खाना खाने से बोर होने पर हम सभी होटल में जाते हैं। अपने स्पेशल मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए भी हम सभी रेस्टोरेंट में जाते हैं। अपनी पसंद के रेस्टोरेंट में हर कोई जाता है। हर किसी को लगता है कि उसका फेवरेट होटल या रेस्टोरेंट उसके स्पेशल मोमेंट के लिए ठीक रहेगा। वैसे कई बार आप सभी उसी होटल में जाते हैं जो किसी एक के लिए फेमस हो। उदाहरण के लिए, कई बार हम ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पनीर अच्छा मिलता है, कभी कबाब वाले, तो कभी किसी और स्पेशल फूड के लिए हम सभी रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब तक जानवरों का मांस और मछली खाने वालों के बारे में ही सुना होगा आपने, लेकिन आज हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जो इंसानों का मांस खाते हैं। असल में वो अपने घर में बनाकर नहीं बल्कि रेस्टोरेंट में खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा रेस्टोरेंट कहाँ है जहाँ इंसान का मांस मिलता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। आम रेस्टोरेंट की ही तरह एक रेस्टोरेंट ऐसा भी है जहां पर इंसान का मांस परोसा जाता है। जी हां, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। दरअसल ये रेस्टोरेंट है जापान के टोक्यो में, जिसका नाम है रेजोटो ओटोटो नो शोक कुरियोहिन है। आपको बात दें, इसका हिंदी में मतलब होता है खाने लायक भाई। कहा जाता है लोग यहाँ पर इंसान का मांस खाने आते हैं, जो बेहद ही अजीब है। अब आपको बता देते हैं इंसान का मांस आता कहाँ से है जिसे सभी को परोसा जाता है और लोग खाते भी हैं। भले ही आपका मन घिन न रहा हो, लेकिन वहाँ जाकर लोग इंसानी मीट खाते हैं। जापान में बने इस रेस्टोरेंट में भीड़ भी खूब रहती है। अब आपको बताते हैं कि ये मीट आता कहाँ से है। इस रेस्टोरेंट की एक पॉलिसी है जिसके चलते यहाँ पर लोग अपने मरने का कॉन्ट्रैक्ट करके जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर लोग अपने मरने की कीमत भी लेते हैं। इंसानों को अपने मरने की कीमत लाखों में दी जाती है, और उसके बाद इनके मीट की डिश को करीब 7 से 8 हजार रुपए में बेचा जाता है। इसके अलावा इंसान को यहाँ पर खाना खिलाकर उन्हें पहले फिट किया जाता है, ताकि उनका मांस खाने लायक हो जाए। तो अब आपको बात समझ में आई कि कहाँ से आता है ये मीट। ये दुनिया बहुत ही अजीब है। जानवरों का मांस खाते हुए लोग अब इंसान का मांस भी खाने लगे हैं। इसे कहते हैं प्रकृति। जी हाँ, हैरानी तो इस बात की हो रही है कि लोग खुद भी कैसे अपने मरने के बाद अपनी बॉडी यहाँ दे जाते हैं। कितने लालची हो गए हैं लोग, अपने मौत की भी कीमत लगाकर जीवन जी रहे हैं। इस चीज को क्या कहेंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें जरूर लिख भेजें।